महंगी होती किसानी और घटती जा रही धान की खेतों का रकबा, भोजन संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगा चुका है। पीढ़ियों से असफलता व निराशा की दौर से गुजरते हुए अवसाद की हद तक पहुंच चुके धान के कृषक की दिल में SRI पद्धति एक नई उमंग पैदा किया है। उनके मन में आशा की नए किरण जगमगाने लगी है। SRI विधि को अपनाते किसानों की हर साल बढ़ते संख्या और इस विधि से बढ़ते खेतों का रकबा SRI विधि की सफलता का पुख्ता प्रमाण है। तो 85 में आप कोई बैठक में भाग लिए जिसमें? हाँ सर, रिछारिया के पद्धति के बारे में जानकारी मिला। हाँ, रिछारिया कैंपेन का मीटिंग हो रहा था सर मेडागास्कर पद्धति के बारे में। अच्छा। तो मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं देखा क्या है वहाँ करके। हाँ, वहाँ जाके फिर उसको सुना और मेरे जब सुना तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मतलब इस टाइप का होता है करके। तो मैंने उसको पहले साल 40 डिसमिल में वो किया, लगाया धान। अच्छा। तो मेरे को 40 डिसमिल में ही बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। उसके बाद फिर मैंने उसको मेडागास्कर पे 4 साल से कर रहा हूँ। उसका जड़ जो है चारों तरफ ग्रोथ लेता है अच्छे से, कंसे बहुत आते हैं। एक पौधा अपन उखाड़ना चाहे तो नहीं उखाड़ पाते। दूसरे खेत में अगर अपन साधारण विधि से रोपा लगाए ना तो उसको आसानी से उखाड़ लेंगे, लेकिन इसमें उससे 3 गुना ताकत लगेगा उखाड़ने में। और धान जब फसल पकने के बाद हम लोग जब उखाड़ के देखे ना, उसका जो जड़ है वो करीब करीब 10-11 इंच तक अंदर तक गया था। इससे क्या, वो ज़मीन के अंदर का भी खींच लेता है, आवश्यक तत्व है पौधा। तो ये इसका जो धान का पत्ता है वो भी, मतलब अपन मेडागास्कर में लगाएंगे तो एक तो चौड़ा होता है और कड़ा कड़ा हो जाता है, कड़ा रहता है बहुत। और जो पौधे जो है वो भी मोटे मोटे होते हैं, तो ये आंधी आने से तूफान आने से नहीं गिरते। और लगभग इसके हर कंसे में बाल आता है और पैदावार अच्छा रहता है। ऐसा ही कुछ खेतों से जब गुजरा तो पाया कि ये पद्धति से खेती परंपरागत देसी धान, जिसे तंत्र ने कम उपजाऊ होने का प्रचार कर अंचल से गायब करने की कोशिश में है, उसी देसी धान भी संकर या उन्नत कही जाने वाली हाइब्रिड धान का मुकाबला कर सकता है। इस श्री विधि से सर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। काहे कि पुराने विधि से हम लोग इतना लगाते थे तो उतना कंसा नहीं आता था और ना उसमें बाली नहीं आता था और उसमें बीज का भी ज़्यादा लागत लगता था और मजदूर का भी खर्चा ज़्यादा पड़ता था। इस श्री विधि में हम लोगों के लिए उतना खर्चा भी नहीं पड़ा और पैदा भी अच्छी तरह से हुआ। बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें, बुआई में बुआई करता फिर निंदाई करवाता फिर लगवाता, तो कम से कम 25-30 मजदूर मेरे को लगता। इसमें 6 जन लगा है। मैं तो पूरा सिद्धांत बना ले हूँ साहब कि अपने जीते जीत जिंदगी भर मैं बुआई नहीं करूँगा। हाँ, यही विधि खेती करूँगा मैं। अरे मेरे खेत को तो ऐसे मजा गए इस साल गए। अरे मैं कहा जान दे भाई, 80 डिसमिल खेत चली देगा तो धान उसमें कब का होगा, इसी भगवान ले जा रहा है। मगर अब जा के देखते हैं, कई जन देखते हैं। हाँ, अब कहते हैं कि इसमें का बीजा दे देना, हमको भी ऐसी लगाना है, ऐसे करना है, कई जन बोल रहे हैं। हाँ, मेरे अंदाज से तो बरन में आधा बस्ती है। मेरा बीज वही है, लोचई है और छोटा छोटा धान जो है गंगा सफरी है। पहले तो बोलते हैं कि क्या जगाए थे तुम, ये तो साल खेत तुम पर रखोगे, तो फिर बाद में देखें तो ये तो हाइब्रिड लगाए होता। मैं कहीं नहीं यार, मैं टेंटर लगाए हूँ। नहीं नहीं, हाइब्रिड लगाए हो उसी को
हम लोग सोच रहे हैं तो खेतों में नहीं दिख रहा है, ये कहाँ हो गया, इससे जैसे लग ही रहा था, फिर बाद बाद में वो एकदम उसमें और छी निकला ना, तो कि हाँ सही में श्री विधि इसका नाम है इसे। और हम लोग जो ये कृषि ये श्री विधि लगाए हैं धान, उनको बहुत दूर से देखने के लिए आए थे, प्रतापपुर के आए थे और कुदरगढ़ के आए थे, उदयपुर के आए थे, वो देख के गए और हम लोगों से वो लोग पूछे कि भाई इसको कहाँ से सीखे और कैसे लगाए, ये सब वो लोग पूछे तो हम लोग बताए। श्री विधि में सर मैंने बीज कम लगता है, समय भी कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है सर। और वो अपने विधि में बीज भी अधिक लगता है और मेहनत भी बहुत लगता है तो पर भी उत्पादन कम होता है। लगाते समय मेरे को मेरे घर वाले और मेरी माँ भी बोल रही थी ऐसो खवाबे, ऐसे बोल रहे थे घर वाले, नहीं होगा कैसे ऐसा कमाई कर रहे हो, बाप पुरखा नहीं देखे थे ऐसा को करवा रहे हो, ऐसा बोल रहे थे मेरे को। तो मैं बोला कि अरे एक एक एकड़ जाएगा तो क्या जाएगा, कम से कम दिखाऊंगा तो गांव वाले उनको और सीखेंगे, तो ऐसे करके मैं ही जिद करके किया। उसके बाद में लगाया, इतना अच्छा हुआ बाप रे धान कि हजारों की संख्या में देखना रहे थे हाँ उस धान को, और गाँव वाले भी रोज गर्मी में रोज परेशान, जैसा मैं जाके वहाँ मैंने दिखाना बताना लोगों को, ऐसे मुखिया एक तो मुखिया ही मुखिया, फिर मैं मेरा दोस्त बताया तो मैं उनसे ज़्यादा मुखिया हो गया। नहीं शुरू में डर तो लग रहा था क्योंकि मैं एक क्यारी में लगाया तो मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था, और देखने वाले भी बता रहे थे कि अरे आप तो बेकार कर दिए हैं, फालतू इतना ज़मीन बर्बाद हो जाएगा, खेत पता नहीं आपका फसल होगा नहीं होगा। लेकिन मैं विश्वास कर, एक ही खेत में अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उससे मैं संतुष्ट हुआ, कम से कम होगा फिर भी से नहीं होगा फिर भी से, लेकिन एक विश्वास ट्रेनिंग मिला था उस हिसाब से मैं किया। और ये बात है सर कि उसमें हम लोग रासायनिक खाद मतलब थोड़ा भी नहीं डाले हैं, जो भी डाले थोड़ा बर्मी कंपोस्ट का 5-1 किलो आसपास डाला था, फिर इधर कुछ नहीं रासायनिक खाद एक वही नहीं डाला था मैं। मैं आधा एकड़ ज़मीन में जीरा फूल का धान लगाया था। पुराने विधि में हम लोग लगा रहे थे तो उसमें जैसे बाली एकदम छोटा छोटा आता था, तो इसमें हम लोग लगाए हैं तो इसमें बाली लंबा आया है और कंसा भी ज़्यादा आया है। और हम लोग इस भार के हिसाब से हम लोग ढो रहे थे तो 22 भार होता था उसमें, इसमें ज़्यादा भी हुआ है सर। तो हम लोग तो इसका आओ आगे बढ़ाएंगे जैसा लग रहा है, इसमें बहुत खुश हैं हम लोग, कहें कि उसका कंसा देखे और उसका जैसे बाली सबको देखे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कम खर्चा होता है और ज़्यादा फसल मिल रहा है हम लोगों के लिए। गाँव वाला किसान भाई मन तो कहीं कि जे नहीं ते खेती लकी दे है इतना टेपरी ये बढ़िया जगह रहता तो धान तो कमे रहता बाबू, 15 दिन के बिहन है गई तो 6-7 गो गाछी निकाले चालू कर दहीस, तो कहीं कि हाँ जी ये तो बड़ा बढ़िया धान है हाई ब्रेड कसिन, तो इला देख के तो हमू लगाबो बाबू कहीं, तो हमन कहें कि हाँ यह तो सही बात हुए लगाए ले गाछी की बचत होते, हाई ब्रेड के कथे वो मुँह ल सही में मार थे, अब नाव गाछी के इधर प्रमाणित हो जाए गरु मूत में वाला प्रमाणित करें आए, और का कहते हैं कि वाला दावा जीव अमृत करे बरी करीन, गाछी 75 से 80 नग निकालीस, हमन ढेर मेहनत नहीं करें तनी ये दे पानी अटे गई, आखिर कहते हैं कि 110 और 120 ले गाछी निकालें। फायदा ये है सर कि आंधी बरसात होने से गिरता नहीं है ये, और पैदावार भी ज़्यादा होती है अपन उसको, मतलब हाइब्रिड धान के मुकाबले में अपन इसमें पैदावार ले सकते हैं, खाने में भी उत्तम रहता है धान चावल। पहले हमारा खेत एकदम कड़ा था, अपन उसमें चल दौड़ लेते हैं धान लगने के बाद, अभी इसमें क्या धान लगने के बाद कम से कम चलने से 6 इंच पैर अंदर घुस जाता है, मिट्टी हमारी पोली हो गई है। रेट भी ज़्यादा मिलेगा सर जैविक खेती होने से, इसका धान में भी चमक अच्छी है दूसरे खेत की अपेक्षा, चावल भी एकदम सफ़ेद आएगा, खाने में मिठास आएगा इसके चावल में, और ये जहरीला नहीं है। दूसरे खेत में क्या है हाइब्रिड धान में बाल निकलने के बाद भी दवाई डालने से वो जहरीला रहता है, अंश उसका ख़त्म नहीं होता है। फिर भी अनुभवहीनता, संसाधनों की सही उपयोग के प्रति उदासीनता और प्रचार तंत्र में अनास्था, एसआरए पद्धति के विस्तार को
वो गति नहीं दे पाया है जितना होना आज अवश्यम हो रहा है।